Good morning, students. So today we are going to begin fifth chapter, the 100 dresses. Okay, there are two parts of this chapter. We are going to start the first part. It has been written by E.L. Brawl, Esther. Okay. So before you read, you just read these things carefully yourself. How do we judge the people around us? हम अपने आसपास के लोगों को कैसे judge करते हैं? By their money, wealth, and possessions. Or is there something of more enduring value to look for a person in? ओके या फिर उससे ज़्यादा भी कोई अच्छी वैल्यूज़ होती हैं जो हम उन लोगों में देखते हैं. दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट. ये जो स्टोरी है एक सेंसिटिव स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक पुअर यंग गर्ल को उसके क्लासमेट्स जज करते हैं. वैंडा पेट्रोनिस की इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन. वैंडा पेट्रोनिस की एक पॉलिश गर्ल है. पॉलिश मतलब वो लोग जो कि पोलैंड में रहते हैं. और वो कहाँ जाती है? अमेरिकन स्कूल में जाती है पढ़ने, एक अमेरिकन चिल्ड्रन के बीच में. दीज अदर चिल्ड्रन सी वैंडा एज डिफरेंट. वो जो बच्चे होते हैं उस स्कूल के, वो वैंडा को एक डिफरेंट वे में देखते हैं इन मैनी वेज. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हियर. यू जस्ट रीड इट योर सेल्फ. ओके ओके, सो लेट अस बिगिन द चैप्टर राइट नाउ राइट हियर टुडे. Vanda Petrode Monday, Vanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. Okay, आज मंडे है, वेंडा पेट्रोनस्की अपनी सीट पर नहीं है. किसी ने भी कोई नोटिस नहीं किया. पैगी और मेडलाइन जो कि उससे फन करती हैं, जिन्होंने वो फन स्टार्ट किया था, उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोट नहीं किया. यूजुअली वेंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. ओके, वो कहाँ बैठती है? रूम 13 की लास्ट सीट की, लास्ट रो की लास्ट सीट में बैठती है. शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. वो एक कोने में बैठती है, वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट. ओके, वो वहाँ बैठती थी जहाँ पर वो बच्चे बैठते थे, रफ बॉयज जो कि खेलकूद करते हैं और गलत व्यवहार करते हैं बाकी बच्चों के साथ और अच्छा सा स्कोर नहीं करते हैं, खराब मार्क्स आते हैं, वो लोग बैठते. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देवर वॉज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर. ओके, तो वो जो कॉर्नर है रूम का, वो कैसा कॉर्नर है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कफिंग फीट होते हैं, गंदे से पैर होते हैं, मोस्ट रोर, सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है ऑफ लाफ्टर, चीखने की चिल्लाने की. व्हेन एनीथिंग फन वॉज सेड, जब भी कोई फनी बात होती है, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा मर्ड और डर्ट उसी जगह पर होती है फ्लोर के पूरे क्लास में. ओके, वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. वेंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ और नॉइजी थी, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी थी या फिर बहुत बातें करती थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट. उसके अपोजिट वो क्या थी? बहुत ही शांत थी. एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और कभी कभारी कुछ बोलती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी भी किसी ने उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा. ओके राइट, नोबडी न्यू एग्जैक्टली, या एंड नोबडी हैड एवर हर्ड लाफ लाउडली. कभी भी किसी ने उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जोर से नहीं सुनी हंसने की. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल. कभी कभार वो हल्के से स्माइल कर देती थी, अपने जो लिप्स होते हैं उनको ट्विस्ट करके, बट दैट वॉज ऑल. लेकिन वही काफ़ी था. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सिट इन दैट सीट. किसी को नहीं पता था कि वेंडा उस सीट पर क्यों बैठती है, अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिन हाइट एंड हर फीट वर यूजली क्रैक्ड एंड मड विद ड्राई मड. ओके, हो सकता है कि एक रीज़न रहा हो कि वो बॉगिंग हाइट से आती थी. बॉगिंग हाइट्स एक एरिया है अमेरिका में. ओके, जिसकी वजह से उसके पैर जो थे वो बेयरली कैसे रहते थे, मड से भरे हुए होते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोनस्की, लेकिन उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोचता था. वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार जब वो कॉर्नर में बैठ जाती थी. द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउट ऑफ स्कूल आवर्स. जब वो लोग सोचते थे वेंडा के बारे में, तब सोचते थे स्कूल आवर्स के बाद. एट नून टाइम वेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन. जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे नून के टाइम पे, या फिर जब स्कूल जा रहे होते थे तब. When groups of टू और थ्री और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड. जब ग्रुप्स होता था बच्चों का और वो उसके बारे में बात करते थे, फिर उसके ऊपर हंसते थे स्कूल यार्ड में, सिर्फ तब. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विथ हर. कभी कभार ये होता था कि वो वेंडा का वेट करते थे जिससे कि उसके साथ फन कर सके. द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर. वेंडा स्कूल में नहीं थी नेक्स्ट डे, एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस भी नहीं किया.
But on Wednesday, Peggy and Mary, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a hole or a lot of mud and didn't notice that Venda wasn't there. Okay. लेकिन वेडनेसडे की बात है, पेगी और मैडी हु सेट डाउन फ्रंट, जो कि आगे बैठते थे, एंड विद अदर चिल्ड्रन, और उनके साथ बैठते थे जो कि जिनके अच्छे मार्क्स आते थे, हु डिड नॉट ट्रैक, हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, जिनके आसपास मड भी नहीं होती थी, एंड डिडंट नोटिस दैट वेंडा वॉजेंट देयर, उन्होंने नोटिस भी नहीं किया वेंडा वहाँ पर है. पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. पेगी सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में. शी वॉज प्रिटी, वो खूबसूरत थी. शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स, उसके बाद बहुत अच्छे सुंदर से क्लोथ्स थे, एंड हर हेयर वॉज कर लिया, उसके जो बाल थे वो कर ली थे. मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड. मैडी उसकी बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी. द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडाज एब्सेंस वॉज एब्सेंस बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. रीज़न था उनको याद करने का वेंडा की एब्सेंस को, वो ये था क्योंकि वेंडा उनको स्कूल के लिए लेट करती थी. दे हैड वेटेड टू हैव सम फन विथ हर, वो उसके साथ फन करते थे इसलिए उसका वेट करते थे, एंड शी जस्ट हैडन कम, और इसलिए वो अभी तक आई नहीं थी. दे ऑफ्टन वेटेड फॉर वेंडा पैट्रोनिस की टू हैव फन विथ हर. ओके, वो रेगुलरली उसका वेट करते थे जिससे कि उसके साथ फन कर सके, मजाक कर सके, उसका मजाक उड़ा सके. वेंडा पैट्रोनिस की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट. ओके, वेंडा पेट्रोनिस की जो कि ज़्यादातर रूम्स में बच्चे थे उन्हीं में से एक थी, लेकिन किसी का भी नेम वैसा नहीं था. दे हैड नेम्स ईजी टू से, ज़्यादातर जो बच्चे थे उनका नेम ऐसा था जो कि आराम से लिया जा सकता, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. दे वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस. ओके, एक बच्चा था उनमें जिसका नेम क्या था, बाउंस था, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, लोगों को लगता था कि वो फनी नेम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोनिस की वॉज, लेकिन उतना भी ज़्यादा फनी नहीं है जितना पेट्रोनिस की लगता था. वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा का कोई फ्रेंड नहीं था. She came to school alone and went home alone. अकेले स्कूल आती थी, अकेले जाती थी. She always wore a faded blue dress. वो हमेशा एक faded blue dress पहनती थी that didn't hang right. जो कि अच्छे से उसको hang नहीं होती थी. It was clean. वो अच्छे से clean तो होती थी but it looked as though it had never been ironed properly. लेकिन वैसी लगती थी कि कभी भी उस पर प्रेस नहीं लगाई गई, आयरन नहीं किया गया. She didn't have any friends but a lot of girls talked to her. ओके, इसकी कोई फ्रेंड नहीं थी लेकिन काफ़ी गर्ल्स उससे बात करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन स्कूल यार्ड, कभी कभार वो उसको घेर लेती थी स्कूल यार्ड में. एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड, जब वो देखती थी कि छोटी बच्चे जो हैं वो हॉप स्कॉच खेल रहे हैं. हॉप स्कॉच इज अ काइंड ऑफ गेम. ओके, कहाँ पर, स्कूल यार्ड में. वेंडा पैगी कहती है, पैगी वुड से इन द मोस्ट कॉशियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन. ओके, वो उस टाइप से कहती है जैसे वो मिस मैसन से बात कर रही हो. वेंडा शीड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नज, अपने एक फ्रेंड को धक्का देते हुए, जैसे मजाक उड़ाते हैं तो हम हल्का सा पुश करते हैं अपने फ्रेंड को. टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, बताओ हमें कि तुम्हारे पास तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट टुमारो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.